सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, अभी जो है शाम के बज रहे 5-6, आई थिंक इसके बीच में ही है अकॉर्डिंग। एंड अभी जो है यहाँ तो लाइट है नहीं, ठीक है, घर में लाइट तो है नहीं। यहाँ से सब उठ के बाहर चले गए और मैं हूँ नीचे। तो ये देखिए बाहर का जो है, ये साइड की लाइट चली गई, मतलब सूरज उस साइड चले गया और ये साइड जो है इस तरह से, ये मक्का है भाई, इस तरह है। तो चलिए, आज जो है मैं यहाँ नीचे हूँ, पर ये जो है हमारे, हम इसको बोलते हैं मेड, पिछले वर्ष में दिखा चुका मैं। एंड अभी गाइस मैं जो है ना नीचे से ऊपर आया हूँ और ये देखिए सब नीचे से बैठ के उठ के नीचे से ऊपर आ गए हैं। हाय रवि भैया। हाँ जी, हाय। अच्छा, अरे मैं ब्लॉग कर। सो गाइस, इधर रवि भैया बैठे हैं। हाय रवि भैया। हेलो। और इधर जो है हिमाचली लड़का है। हेलो। एंड सो गाइस, आज जो है मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाला, और वो है ये देखिए, ये भी है। हाय बच्चूपट्टी। ओके। और यहाँ पे देखिए, ये जो है शिवानी यानी हिमाचल वाली, ये देखिए यहाँ पे बैठ। ब्राउनी एंड जो जो, जो जो एंड ब्राउनी है। अगर दोनों में फाइट होता तो कौन जीतते? फाइट नहीं होती है, डराते हैं बस एक दोनों एक दूसरे को, फाइट वगैरह नहीं होती है वैसे। तो ये कर क्या रहे आप वजह से यहाँ पे? कुछ नहीं, ब्रोनी बैठा हुआ है तो मैं जोजो को भी ले आई यहाँ पर ब्रोनी के पास। अच्छा, हवा खा रही, मतलब अभी ये जो हवा, इनको एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, मतलब एक दूसरे से लड़ते भी हैं लेकिन फिर उसके साथ मतलब। अच्छा, ये तो जो है चंडीगढ़ का वो है गाँव का। तो क्या हो गया, मैं भी चंडीगढ़ की हूँ, रवि गाँव का है। वो तो डिफरेंट हो गया ना। ओके। अच्छा, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है गांव में? अच्छा है, पीसफुल है काफ़ी ज़्यादा, मेरे को तो मतलब अच्छा लगता है मौसम, सबसे ज़्यादा वेदर अच्छा लगता है और बाकी पीस। आपको कितना टाइम हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हिमाचल में? मतलब हिमाचल में तो मैं बचपन से हूँ, मतलब स्टडीज़ भी मेरी हिमाचल में ही हुई हैं। क्या अच्छा लगता है आपको हिमाचल में? से हिमाचल के माउंटेन्स अच्छे लगते हैं, हिमाचल का वेदर मुझे अच्छा लगता है, हिमाचल में बहुत सारी प्लेसेस हैं ट्रैक के, ट्रैकिंग मतलब काफ़ी सारे ट्रैकिंग के प्लेसेस हैं, तो ये सब बहुत सब कुछ अच्छा है यार, सब कुछ। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोग ट्रैकिंग करने के लिए उधर गए थे ना, ऊपर के सामने वो पहाड़ बिल्कुल टॉप पे गए थे हम लोग। क्या हो गया था, वो वीडियो में दिखा रहा था कि आपको पानी की वो कुछ हुआ था? हाँ, एक्चुअली पानी हमारे पास ख़त्म हो गया था तो डिहाइड्रेशन हो गई थी और 3 दिन से पानी नहीं पिया हुआ था, और ट्रैकिंग हम कर ही जा रहे थे, चले जा रहे थे, और ऊपर से मेरे को मतलब चोट वगैरह भी लग गई थी, गिर गई थी मैं, तो सब कुछ एक साथ हो गया था। यानी आपको तीनों चीज़ एक ही साथ में हो गया ना? हाँ, सब कुछ। ओके। वैसे दिस इज़ वेरी कॉमन, बिकॉज मैं जहाँ भी जाती हूँ कहीं पर भी जाती हूँ तो ये मेरे साथ होता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ होना ही है हमेशा, ऐसा होता ही नहीं कि मैं मतलब बिल्कुल ऐसे सही सलामत जाऊँ और सही सलामत वापस आऊँ, कुछ ना कुछ मतलब बीच में जाऊँगी तो जेली फिश की स्टिंग्स हो जाते हैं मुझे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, ट्रैकिंग में जाऊँ तो कोई कीड़ा काट जाएगा या कुछ होगा। सो अब वो तो पहाड़ों में रहेंगे तो कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं जब पुणे में थी ना तो मैं पुणे में भी जब भी ट्रैक पे गए जाती थी तो कुछ ना कुछ होता था, मतलब बीच पे जाओ तब भी, ट्रैक पे जाओ तब भी, कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ होता ही है। ओके, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, आपने थोड़ा इनसे बातचीत की तो यहाँ पे आके। एंड अभी वो अपने जो जो को ये कर रहा, कंघी कर रहे हैं ना? नहीं, कंघी नहीं, इसको सुला रही हूँ। सुला रहे हैं। ओके। अब कितना टाइम लग जाता है इसको सोने में? ऐसे कुछ जैसे आप गोद में पकड़ो और ऐसे ऐसे करें, मेरी गोद में तो बस आते ही नींद आ जाती है इसको। ओके। और यहाँ पे देखिए नीचे वो एक गाय का बछड़ा भी है, कितना अच्छे से घास खा रहे हैं। सो गाइस, आज जो है एक छोटा सा ब्लॉग बनाया मैंने ताकि हिमाचल वाले से कुछ जान सके, वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे जो है आपकी बात रूबरू कराया जाए, तो वो था एक छोटा सा इंट्रो। एंड ये देखिए भाई, अब जो है यहाँ से सब जगह से सूर्य ख़त्म हो गया और वो साइड में है। तो चलिए मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।